हाय, मैं हूँ कुणाल केमू और मैं वेब दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ 18 साल पूरा करने के लिए। अब आप एक अडल्ट हो गए हैं, आप वोट कर सकते हैं। आई विश यू मेनी मोर इयर्स। कपिल शर्मा के दिन फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं। लगातार विवादों से वे घिरे हुए हैं और उनका टीवी पर चलने वाला तमाशा भी बंद हो गया है। नशे में चूर होकर आसमान में उन्होंने सुनील ग्रोवर से जो गाली गलौज की थी वो तो सभी को पता है। अब कपिल की फिल्म फिरंगी रिलीज होने वाली है और वे अपनी इस इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं। फिल्म चलाने के लिए सारे जतन करना पड़ते हैं, इसलिए कपिल ने अपने ही बारे में कुछ खुलासे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कर दिए। कपिल ने बताया कि जैसे ही उनका शो खत्म हुआ वे डिप्रेशन में डूब गए। ऑफिस में ही 12 दिन तक बंद रहे और गम भुलाने के लिए शराब में अपने आप को डुबो लिया। कपिल की यह हालत देखकर उनका एक दोस्त कपिल को अपने घर ले गया। उसके घर के सामने समुंदर था। उसे देखकर कपिल को लगने लगा कि समुंदर में मुझे डूब जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें लगा कि पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ है। कपिल के नखरों और घमंडों के चारों ओर चर्चे थे, जबकि कपिल का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। शाहरुख के साथ उन्होंने एक बार शूटिंग कैंसिल कर दी थी। इस बार कपिल की बड़ी आलोचना हुई कि क्या वे किंग खान से भी बड़े स्टार हैं। कपिल ने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी और यह बात जब उन्होंने शाहरुख को बताई तो खुद किंग खान ने उन्हें आराम करने की सलाह दी।